श्रेया बेटा, हम अभी ब्यूटी पार्लर जा ही रहे हैं ना, तो तेरी दो आंखों के बीच ये जो लटक रहा है ना, उसको काट देंगे। अगर मम्मी को पता चला तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएगी। कुछ नहीं करेगी तेरी माँ, उसका भी तो बरसों पुराना लट मैंने काट दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तेरा भी काटूंगी, मजा आएगा। वाओ, बहुत मजा आएगा, चलो। What is this? पिछली बार वैक्सिंग के टाइम आपको मधुरा क्या हुआ? मुझे देख के डर क्यों जाती है तू? मैं क्या इतनी डरावनी हो क्या? कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही स्वीट हो आप। अरे क्या, एक्चुअली आज मैं मेरी पोती और मेरी पोती की दोस्त दोनों को लेके आई हूँ। ओ अच्छा, कम ऑन बेबी। हेलो, ये है श्रेया मेरी पोती। चुछु नहीं, अनुष्का, ये उसकी दोस्त। ओ अच्छा। क्या भाई हल्ला मचाए रे, अय्या क्या है? कोई पर्सनल काम भी करने मत दो तुम, ये प्राइवेट काम है। मेरे हाथ में झाड़ू या रुको रुको, आपको एक खबर देनी है। तू कब से मित्रा बन गया? नहीं, रोज वो मुझे खबर देती है, आज तू दे रहा है। बोल क्या है? दादी जी, श्रेया और अनुष्का ब्यूटी पार्लर गए। पता है मुझे, वो मेरे सामने बोल रहे थे दोनों ब्यूटी पार्लर जाने। आगे तो सुनो, आपको एक बात बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता। दादी जी ने प्लान किया है कि दीदी के जो आंखों के बीच में बाल है ना, वो काट देगी वो जाके वहां पे। क्या आप कुछ कर रहे हो? नो नो, आज मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों का ही करना है। मुझे एकदम रॉयल लुक दीजिए आप, हमें बहुत ऐसा यंग सा लुक चाहिए जिसे देख के सब हमारे ऊपर। ऐसे लुक्स दीजिए जिनको देख के सब फिदा हो जाए, जैसे मुझ पे होते हैं। कोई टेंशन मत लीजिए, मैं इनके ऐसे लुक्स करूंगी कि कोई इनको पहचान भी नहीं पाएगा। और हाँ, ये श्रेया का जो तो आंखों के बीच लटक रहा है ना, काट दीजिए। डोंट वरी, मैं सबसे पहले उसके वही बाल काटूंगी। काम सासू माँ, आओ ना तुम्हारी मामी। मैंने आपको मना किया था ना, श्रेया के दो आंखों के बीच जो बाल है वो नहीं कटेंगे। श्रेया मेरे साथ घर चल। ए बहू, मैं श्रेया का न्यू लुक कर रही हूँ। बस, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। श्रेया चल। मम्मी। श्रेया, मैंने मना किया था ना ब्यूटी पार्लर में नहीं जाने का, चल ब्यूटी पार्लर में गई। वो बाल काटने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था कि उसका वो बाल कट जाए। अरे बचपन से ऐसा घूमती आ रही है बेचारी, हिप्नोटाइज हो गई कितने दिनों से, कैसा दिख रहा है वो। आप ही की कमी थी, ये सब आपके लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। अगर मैं किसी चीज को मना कर रही हूँ तो वो नहीं करने का। कौन है कौन तू? मैं कौन हूँ? इसकी माँ। मेरा श्रेया पे सबसे ज्यादा हक है। दादी से ज्यादा माँ का हक होता है। माँ से ज्यादा बेटी पर बाप का हक होता है, और इसका बाप मेरा बेटा है, उसके हिसाब से मेरा डबल हक हो जाता है। क्या किया आपके बेटे ने? कुछ नहीं किया। 9 महीने मैंने अपने वेटिंग एरिया में उसको बड़ा किया है। हमने भी तो ख्याल रखा है उसका, पाल पोस के बड़ा किया है। क्या ख्याल रखा? कुछ ख्याल नहीं रखा आपने, बस उसके साथ खेलती थी। अगर उसने पोटी सुसु कर दी तो मुझे बुलाती थी, साफ कर दे। मम्मी यार, आप मेरी पोटी मत निकालो। तू चुप कर, बहुत बड़ी हो गई तू। तेरी माँ को आदत ही है ऐसा एक दिन सुख चैन से जीने नहीं देती मुझे, जब देखो तब शुरू हो जाती है। अच्छा तो मैं शुरू होती हूँ, आप क्या करती हो फिर? अरे अरे, क्या हो गया, दोनों इतनी क्यों लड़ रही हो? अपनी प्यारी माँ से पूछो, अपनी लवर से पूछ। शांत हो जाओ ना दोनों। चुप बैठी आप जरा। चल बेटा, मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? हाँ देख बेटा देख, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं इस घर में। क्या रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट करूँ मैं इस घर में किसी की? मेरी कोई रिस्पेक्ट करता है? देखो देखो कैसे कर रहे हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती घर में। वो शर्वरी आती है ऊपर से तो आओ आओ मिस ब्यूटीफुल, और मुझे क्या? अगर तू भी होती ब्यूटीफुल तो मैं कहती आओ आओ मिसेस ब्यूटीफुल शर्मिला,
देखिए ये है इनकी रिस्पेक्ट, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं इस घर में। हाँ इन्होंने लाया था ना पर मैंने नहीं लिया, महंगा था पर ब्रांड अच्छा नहीं था, तुमको तो पता है मैं ब्रांडेड। एक मिनट आओ, शादी के बाद से बस झेलती आ रही हूँ मैं सबको, जा रही हूँ मैं मायके। शर्मिला निकल निकल, कोई रोक नहीं रहा तुझे। जा ही रही हूँ। जा जा, दरवाजा खोल दो क्या, भागती का है भगोड़ी। शर्मिला तू भी जा, अपने बीवी के आगे पीछे कर, माँ का क्या है। बाद में कॉल करती हूँ। सब के आगे पीछे करो, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, अब जा रही हूँ मैं। शर्मिला क्यों भर रही हो बैग, मैं भर देता हूँ। क्या कहा आपने, हाँ भर के दीजिए ना, आपको भी चाहिए ना, मैं चली जाऊँ मायके। शर्मिला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुमको मायके भेजूंगा क्या। चुप बैठे, अभी आपने कहा मैं भर के देता हूँ बैग, आपके अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे, मैं जाने के बाद आपको खुला मैदान, जितना चाहिए उतना करो मौज, मुझे क्या है। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कहा, शादी के पहले ही था बस आपका प्यार, शादी के बाद सब खत्म। शर्मिला आप तुम मुझे इमोशनल मत करो। कितने कान लगाएगी, अरे वो कान तेरे बंद हो जाएंगे चुगलियां सुन सुन के। चुप कर छुचंदर मुंह की औरत, निकाल अपने बिल। दिन भर सबका करो फिर भी ये बोलती रहती है, मुझे टोपने मारती रहती है, मैं कभी कुछ नहीं बोली। तुमको पता है ना माँ कैसी है। कैसी है, बहुत अच्छी है, बच्ची टाइप है वो, अब क्या करे। वो कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ मायके, मैंने कर दिया फाइनल अब। शर्मिला क्या है ये, अभी तो कई घर में शांति महसूस हो रही थी, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि तुम दोनों शांत बैठो। अपनी बेबी के मुंह पे पट्टी लगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखिए देखिए मैंने उनको कुछ बोला, अब बोलने की क्या जरूरत है, अब मैं भी दूंगी रिप्लाई। आपके मुंह पे पट्टी बांधो पहले, आपकी वजह से घर में सब हो रहा है। बाहर आके बोलना, मेरे सामने आके बोल, हिम्मत है तो। चुपके क्यों बैठी है पति के साथ, निकल बाहर। माँ आप शांत बैठो ना जरा, पांच मिनट। हंस रही हो तुम, आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। शादी के पहले जब मैं रूठ जाती थी तो बाप वो डांस करते थे मुंगड़ा पे, एक बार वो कीजिए, नहीं जाऊंगी मैं। अभी कैसे शर्मिला, मैं नहीं करूंगा वो डांस। अगर आपने नहीं किया तो मैं जा रही हूँ, देखो। मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली, मंगता है तो आ जा पतिया, ना है तो मैं ये चली। ए तू क्या नाच रहा है क्या उसके आगे, दरवाजा खोल, क्या कर रहा है अंदर, क्या मुंगड़ा मुंगड़ा क्या कर रहा था। और तू अब तो पैर नहीं के मायके जाने वाली है ना। हाँ मैंने सोच ही लिया था, सोच कर मैंने ठान लिया था कि मैं जाऊंगी, पर बाद में सोचा मैं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा, मेरे बिना तो इस घर का सबसे बड़ा वाला पहिया ऐसा टूट ही जाएगा, तो रुक गई हूँ मैं। अरे क्या बहू, फिर क्यों इतना नाटक कर रही थी, ये देख तेरे विदाई की तैयारी मैंने कर दी थी, अभी बस टैक्सी को कॉल ही करने वाली थी, तूने कैंसिल कर दिया। माँ अब उसने कैंसिल कर दिया ना, आप क्यों शुरू हो रही हो। बस बड़ी बड़ी बातें करती है सासी माँ, ये बड़ी बड़ी बातें मैंने आपसे ही करना सीखा है।